अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया है, उसमें 3 दिन तक उदयपुर में देश भर के कांग्रेस के लगभग 400 से ज़्यादा नेता एकत्रित हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि AICC ने और सोनिया गांधी जी ने बहुत सोच समझकर इस नव संकल्प चिंतन शिविर को बुलाया है, एक बहुत महत्वपूर्ण समय पर बुलाया है, क्योंकि 2-3 राज्यों के चुनाव इस साल हैं, अगले साल कुछ राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव भी अब 2 साल के बाद होने वाले हैं। ये बात सच है कि देश में NDA और भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर, एक नेशनल लेवल पर अगर कोई चुनौती देकर हरा सकता है तो वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे जो सहयोगी दल हैं उन सबको साथ लेकर हम लोग ऐसी रणनीति बनाना चाहते हैं कि देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाकर केंद्र की सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम लगातार कर रही है। केंद्र की सरकार को, भाजपा को अब 8 साल पूरे हो गए। इन 8 सालों का लेखा जोखा, उसका श्वेत पत्र, उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो आधार होनी चाहिए भाजपा को आगे अपनी राजनीति करने के लिए। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, आज छटनी हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, देश में एक तरह की मिसमैनेजमेंट व्यापक हो चुकी है, बजाय उसका जवाब देने के या अपनी कार्यप्रणाली को ठीक करने के, भाजपा की राजनीति रही है कि देश में हमेशा आरोप की राजनीति करें। आज भी गैस का सिलेंडर जो 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल डीजल 125 रुपये लीटर पहुँच गया, खाने के सामान की चीज़ें महंगी हो रही हैं, आज भी वो पीछे मुड़कर UPA सरकार को, मनमोहन सिंह जी को और कांग्रेस पार्टी को दोष देते हैं। इन 8 सालों में आपने क्या वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है उसका कोई जवाब आता नहीं है। इस चिंतन शिविर के माध्यम से अलग अलग समितियां बनी हैं। राजस्थान से मुझे जो आर्थिक समिति बनी है उसका मैं सदस्य हूँ और हम लोगों ने, चिदम्बरम जी इसके संयोजक हैं समिति के, हमारी 2-3 मीटिंग हुई हैं। कांग्रेस पार्टी का अगले आने वाले समय में क्या रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे, संगठन को लेकर बहुत चर्चा होगी, अर्थव्यवस्था जैसे मैंने कहा हो रही है, किसानों को लेकर चर्चा होगी और नौजवानों के लिए भी हम लोगों का जो कांग्रेस का शुरू से एक दायित्व रहा है ऐतिहासिक रूप से कि युवाओं को राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करना, ये काम कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा से किया है। इस दृष्टि से ये उदयपुर का जो नव संकल्प चिंतन शिविर है बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे AICC ने कई बार कहा, ये सिर्फ इस संवाद का या सिर्फ पेपर तैयार करने का या चर्चा का शिविर नहीं है, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड, आउटकम ओरिएंटेड, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ कांग्रेस को रीएनर्जाइज करने के लिए, और भाजपा ने, जिस जनता ने 2 बार मौका दिया है केंद्र सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी हैं। कांग्रेस की सरकार हमेशा एक कोलिशन सरकार थी, बहुत दबाव आते थे सरकार को चलाने में क्योंकि कोलिशन पॉलिटिक्स का ज़माना था। भाजपा को स्पष्ट बहुमत के बावजूद भी जिस प्रकार का उनको गवर्नेंस करना चाहिए था वो हर मोर्चे पर फेल हुए हैं। तो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना, कोलिशन राजनीति में कैसे NDA को चुनौती देना और कांग्रेस को और सशक्त करना, क्योंकि राजनीतिक चुनौतियाँ जो सामने आने वाली हैं उसका मुकाबला करना, जनता का विश्वास जीतना, इन तमाम इश्यूज पर चर्चा होगी। और हमें खुशी है, मुझे खुशी है कि एक बार पुनः राजस्थान को चुना है इस AICC के शिविर को करने के लिए। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हम सब यहाँ पर एकत्रित होंगे और देश भर के, जैसे मैंने कहा, 425 से 420 हम सब नेता इकट्ठा होंगे। और इसमें एक जो बात मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि लगभग आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है, तो युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से, जहाँ से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सबसे ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लगता है कि इस शिविर के पश्चात जल्द संगठनात्मक जो चेंजेस सरकार को, पार्टी को करने हैं वो भी करेंगे, एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे सब साथी सहयोगी हैं, हम सब मिलकर आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव और अंत में जो 24 में लोकसभा चुनाव होगा उसके तैयारियों पर पूरा अभी से हम प्रिपेयर करेंगे।